पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को ही अवैध संबंधों और दो मोबाइल रखने के शक में कुल्हाड़ी से काट दिया। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद पति खुद ही थाने पहुंच गया। आरोपी के मुताबिक उसकी पत्नी किसी से बात करती थी, जो बार बार समझाने के बाद भी बात नहीं मान रही थी। गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी अपने परिवार के साथ रहता था। 2011 में आरोपी अपनी बीवी को 10,000 रुपए में खरीद कर लाया था, जिससे 3 बच्चे भी हैं। देर रात आरोपी जैसे ही घर पहुंचा तो बीवी को रंगे हाथों पकड़ लिया। बीवी का जब विरोध किया गया तो मामला बढ़ गया। गुस्से में पति ने अपनी पत्नी को ही कुल्हाड़ी से काट दिया और हत्या कर दी। घटना कारित करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। जैसे ही पुलिस ने घटना सुनी तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने फिलहाल शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले में जुटी है, तो वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात्रि लगभग 3 बजे कस्बा बिलारी में मोहल्ला महाजनान में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या करने के बाद अभियुक्त स्वयं चलकर थाने पर आया। उसी के माध्यम से ही पुलिस को प्रथम जानकारी घटना की हो पाई। क्या मर्ज की समझ नहीं आई? रात और दिन फोनों के बाद 2 मोबाइल रखे ही है। बहुत मना करा, बहुत समझ आई। कई बार मैं धमकी दी मुझे, मेरे पीछे 2-3 नोंडे भी लगा दिए। कल दोपहर में मैं भट्टी पर साहब भूख का पेट आया, मैं बोला वो खाना दे दी मुझे, खाना दे दिया इनने। जब मैंने ज़्यादा कही सुनी तो इनने थोड़ी देर चावल दिए, ये राशन भी लेके आई, कल चावल लाई, गेहूँ लाई कल। तो मैं बोलूँ कि ज़्यादा मुझसे बकवास मत करो, मैं वैसे आया हूँ। बोले चुप करके खाना खा ले, खाना है तो सुबह उतनी घास मिलेगी, भट्टे में लगी थी सुबह 4 बजे, 4 बजे भट्टे में चला जाता फिर क्या हुआ? मैंने सुबह 3 बजे मेरी आँख खुली, मैंने उसको मार दिया। क्या मारा? कुल्हाड़ी मारी। फिर तुम कहाँ आ गए? सीधा यहीं को आया।